और यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे रूसी सैनिकों के लिए क्राउड फंडिंग हो रही है। रूसी जनता अपने सैनिकों के लिए पैसे दान कर रही है। पुतिन समर्थक रूसी सैनिकों के लिए कर रहे हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग से रूसी सैनिकों को भेजे जाएंगे आधुनिक हथियार। क्या यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन अपनी सेना को वो सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं जिसके बल पर रूसी सेना यूक्रेन में जंग जीत सके? क्या रूसी सेना को वो जरूरी हथियार और खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही जिनके सहारे वो जंग के मैदान में टिक सकें और जंग को जीत में बदल सकें? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि अब आम रूसी यूक्रेन में लड़ रही रूसी सेना के लिए फंड रेजिंग का काम कर रहे हैं। रूसी सैनिकों को हथियार, जूते और जरूरी सामान देने के लिए रूस में पुतिन के समर्थक पैसा जमा कर रहे हैं। इन रूसियों का मानना है कि जंग में पुतिन ने सैनिकों को ऐसा सामान दिया है जो अब आउटडेटेड हो चुका है। यूक्रेन को पश्चिम देश से मिलने वाले हथियार इतने आधुनिक हैं कि रूसी सेना उनके सामने टिक नहीं पा रही और जंग का मैदान छोड़कर भाग रही है। रूसी सैनिकों के लिए पैसा इकट्ठा करने वाले लोगों की दलील है कि वो पुतिन के समर्थक हैं, इसलिए वो अपने स्तर से जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों की मदद कर रहे हैं। इस फंड रेजिंग प्रोग्राम के तहत लोगों से अपील की जा रही है कि रूसी सैनिकों की मदद के लिए लोग 100 रूबल से लेकर 10,000 रूबल दे सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।